Hello friends, welcome to SK Programming. In this video, we are going to learn about this keyword in Java, part 1. What is this keyword? This is a keyword that points to the current object in a method or constructor. This kya hai? This ek keyword hai, wo refer karta hai current object ko, yani ki point karta hai current object ko. Aur this keyword ka use method or constructor ke andar hota hai. It is element the confusion between class attributes and parameter with the same name. तो ए पॉइंट क्या कह रहा है, जब हम क्लास क्रिएट करते हैं तो उसमें हम कुछ डेटा मेंबर एलोकेट करते हैं, यानी कि इनिशियलाइज करते हैं और डिक्लेयर करते हैं. सपोज हमने क्लास क्रिएट किया है एबीसी ए और उस क्लास के अंदर इंटीजर आई नाम का वेरिएबल क्रिएट किया. अब हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं और उसमें भी पैरामीटर पास करते हैं इंटीजर आई, तो हमारा क्लास वेरिएबल का नाम भी आई है और पैरामीटर में जो पास हुआ है वो भी आई है. तो उन दोनों वेरिएबल के बीच में कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि किस वेरिएबल को मुझे एक्सेस करना है, तो उसके लिए दिस कीवर्ड का यूज होता है. अभी मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो बताऊंगा, उसमें से आपको आइडिया आ जाएगा कि दिस कीवर्ड का एक्चुअल यूज क्या है. लेट्स सी द यूजेस ऑफ दिस कीवर्ड विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखने से पहले, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दो ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालू तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए. तो अब देखते हैं वन बाय वन यूजेस. इधर ऑलरेडी मैंने नोटपैड प्लस प्लस ओपन किया है और एक क्लास क्रिएट किया है दिस कीवर्ड, उसके अंदर मैंने वॉइड मेन मेथड भी लगा दी है. ठीक है, एबो कमेंट पोर्शन में मैंने दिस कीवर्ड के जो कुछ भी यूजेस है उसे मैंने नोट डाउन किया है. तो मेनली दिस कीवर्ड के 6 यूजेस है. ठीक है, लेकिन हम आज के वीडियो में पहला यूज देखने वाले हैं. 6 यूजेस जो है वो हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे, यानी कि 6 यूजेस मीन 6 वीडियो. तो देखते हैं पहला यूज. दिस कैन बी यूज टू रिफर करंट क्लास इंस्टेंट वेरिएबल. दिस कीवर्ड क्या है, तो वो रिफर करता है करंट क्लास इंस्टेंट वेरिएबल को, यानी कि जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो जो हमारे क्लास के जो वेरिएबल होती है उसे वो पॉइंट करता है. तो किस तरह से होता है वो आपको बताता हूँ. पहले आपको मैं प्रॉब्लम बताऊंगा, बाद में दिस कीवर्ड का यूज करके हम सॉल्यूशन किस तरह से करते हैं वो बताऊंगा. तो पहले मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता हूँ. तो कंस्ट्रक्टर मुझे पैरामीटराइज चाहिए. ठीक है, तो बना देते हैं. कंस्ट्रक्टर का नेम मस्ट बी सेम एज क्लास नेम. ठीक है, उसके बाद पैरामीटर चाहिए. तो पैरामीटर पास करने से पहले हमारे पास क्लास में कुछ डेटा मेंबर है, उसे हम इनिशियलाइज या फिर डिक्लेयर कर दे इंटीजर आई एंड स्ट्रिंग नेम. दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं मैंने. अब इस दोनों वेरिएबल में मुझे वैल्यू इनिशियलाइज करनी है पैरामीटर राइज कंस्ट्रक्टर का यूज करते हुए. तो इधर हम पास कर देते हैं इंटीजर आई कॉमा स्ट्रिंग नेम. ठीक है, अब इस आई में मुझे इस आई की वैल्यू डालनी है और इस नेम में मुझे इस नेम की वैल्यू डालनी है. तो हमें क्या करना है, आई इक्वल टू आई करना पड़ेगा. एंड नेम इक्वल टू नेम का यूज करना पड़ेगा. ठीक है, दिस आई इज इन लेफ्ट साइड, दिस नेम इज लेफ्ट साइड, दिस आई इज राइट साइड एंड दिस नेम इज राइट साइड. ठीक है, अब एक मेथड इस डिस्प्ले नाम का बना देते हैं, वो हमारा जो डेटा है इंटीजर आई और स्ट्रिंग नेम उसे वो डिस्प्ले करेगा. ठीक है, वॉइड डिस्प्ले. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई इक्वल टू प्लस आई कर देते हैं, उसके बाद नेम इक्वल टू प्लस नेम कर देते हैं. ठीक है, अब मुझे इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है. ठीक है, तो इस क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्लास नेम देन ऑब्जेक्ट नेम ओबीजी रख देते हैं इक्वल टू न्यू क्लास नेम. और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है इसलिए हमें इधर दो आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, क्योंकि इधर हमने दो आर्ग्यूमेंट लगाया है. पहला है इंटीजर टाइप का तो वन पास करता है और दूसरा है स्ट्रिंग टाइप का, तो उसमें हम पास कर देते हैं एस के प्रोग्रामिंग. ठीक है, दो आर्ग्यूमेंट हमने पास किए. अगर आपको नॉलेज नहीं है कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है वो कंपाइलर किस तरह से हैंडल करता है, तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है कंस्ट्रक्टर पे,
तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो आप देख लो, क्योंकि अगर आप जावा में आगे बढ़ने वाले हो, प्रोजेक्ट पे वर्क करने वाले हो, तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर एवरीवेयर यूज होने वाला है। अब ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया, अब मुझे इस डिस्प्ले मेथड को कॉल करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और बाद में ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले लिखना पड़ेगा। ऑलरेडी हमने ऑब्जेक्ट बना दिया है ओबीजे नाम का, तो ओबीजे डॉट डिस्प्ले, ठीक है। तो अब क्या होगा, कंपाइलर जो है वो क्या करेगा, इस क्लास को पहले कंपाइल करेगा, मीन्स कि इस क्लास में अगर एरर होगी तो हमें एरर डिस्प्ले करेगा। बाद में आएगा मेन मेथड में दिस कीवर्ड ओबीजे इक्वल टू न्यू दिस कीवर्ड, तो पहले कंस्ट्रक्टर फाइंड करेगा दो आर्ग्यूमेंट वाला, पहला इंटीजर टाइप का और दूसरा क्या होगा स्ट्रिंग टाइप का, तो उसे कंस्ट्रक्टर मिल जाएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर मिलते ही वो क्या करेगा, int i नेम है, इधर इधर भी दो डेटा मेंबर है, तो ओबीजे नाम का वेरिएबल है मींस ऑब्जेक्ट है, उसमें दो डेटा मेंबर है, एक i है और दूसरा क्या है, दूसरा है नेम नाम का। आई में इनिशियली वैल्यू क्या है, जीरो होगी, ठीक है, और नेम में इनिशियली वैल्यू क्या होगी, नल होगी। क्यों नल, क्योंकि स्ट्रिंग है इसलिए नल, और इंटीजर में जीरो, ठीक है, क्योंकि इनिशियली हमने कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है। अब ये कंस्ट्रक्टर क्या कॉल करेगा, इधर से कॉल होगा, यानी कि ये जो वन है वो आई में जाएगा और ये जो एसके प्रोग्रामिंग लिखा है मैंने वो इस नेम में जाएगा, कुछ इस तरह से कमेंट कर देते हैं, ठीक है। दिस कीवर्ड ये जो वन है वो आई में जाएगा और एसके प्रोग्रामिंग है वो नेम में जाएगा, ठीक है। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आएगा, ये देखेगा इधर कंपाइलर आई इक्वल टू आई, तो कंपाइलर को इधर आई मिलेगा और इधर भी आई मिलता है, यानी कि इधर भी आई मिलता है। लेकिन कंपाइलर क्या करेगा, जब भी हम क्लास के अंदर और पैरामीटर और क्लास के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और पैरामीटर में जो वेरिएबल हम लेते हैं मीन्स डिक्लेयर करते हैं, अगर वो दोनों नेम सेम है तो वो प्रायोरिटी देता है क्लास वेरिएबल को, ठीक है, मीन्स के क्लास के अंदर जो डिफाइन किया गया वेरिएबल है उसे वो प्रायोरिटी देता है, इस जो पैरामीटर में आया है वेरिएबल आई नाम का उसे प्रायोरिटी नहीं देगा। मीन्स आई इक्वल टू आई है मैं, इसलिए ये जो आई है वो भी इसे कंसिडर करेगा, ए आई है उसे भी ये कंसिडर करेगा, मीन्स आई की वैल्यू क्या सेट कर देगा, जो होगी वो आई की वैल्यू क्या है इनिशियली जीरो है, तो वो फिर से आई में जीरो ही देगा, ये जो वन आया है वो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि एक क्लास में जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया उसका नाम भी आई है और पैरामीटर में जो पास किया उसका नाम भी आई है, उसके बाद नेम में, तो नेम में भी कुछ ऐसा ही होगा, नेम इक्वल टू नेम, यानी कि इस नेम की जो वैल्यू है वो ही फिर से नेम में इनिशियलाइज करेगा, और नेम की वैल्यू क्या है नल है, तो वो फिर से नल ही इनिशियलाइज करेगा, ठीक है। फिर ये कंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया, तो ये लाइन हो गई खत्म। अब उसके बाद ओबीजे डॉट डिस्प्ले, तो डिस्प्ले नाम का जो मेथड है वो डायरेक्टली कॉल होगा, तो उसमें हमने लिखा आई इक्वल टू प्लस आई नेम इक्वल टू नेम, यानी कि ऐसे कुछ आउटपुट मिलेगा हमें, आई इक्वल टू इधर है आई, तो आई की वैल्यू क्या है जीरो, देन नेम इक्वल टू नेम की वैल्यू क्या है, नेम की वैल्यू है नल नल, ठीक है। तो ऐसा आउटपुट हमें मिलेगा। इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, मैंने ऑलरेडी इस प्रोग्राम को डी ड्राइव में सेव किया है और वो पाथ मैंने सीएमडी में सेट भी कर दिया है डी ड्राइव में जावा नाम के फोल्डर में। तो अब हमें इस क्लास को कंपाइल करना है, जावा सी कमांड यूज करेंगे, उसके बाद क्लास नेम दिस कीवर्ड डॉट जावा एक्सटेंशन यूज करेंगे कंपाइल टाइम, तो कंपाइलेशन एरर नहीं, अब हम रन करते हैं जावा दिस कीवर्ड, तो इधर आप देख सकते हो आई इक्वल टू जीरो नेम इक्वल टू नल, ठीक है। इधर जो मैंने आपको आउटपुट डिस्प्ले किया वही आउटपुट हमें मिल रहा है, ऐसा क्यों, ऑलरेडी हमने तो इधर से वन पास किया है और एसके प्रोग्रामिंग भी हमने पास किया है, तो वो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है और क्लास में जो वेरिएबल डिफाइन किए गए हैं उसे वो प्रायोरिटी देता है। जब भी हम आर्ग्यूमेंट में जो वेरिएबल पास करते हैं उसका नेम और क्लास वेरिएबल के नेम जब सेम होता है तो वो क्लास वेरिएबल को प्रायोरिटी देता है, ठीक है। मीन्स ये आई मीन्स यही आई और राइट हैंड साइड में लिखा गया है उसे भी आई समझेगा। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या, इसका सॉल्यूशन है दिस कीवर्ड, मींस अगर मैं इधर लिखूंगा दिस डॉट आई, इधर मैं लिखूंगा दिस डॉट आई दिस डॉट नेम, तो अब क्या समझेगा, तो कंपाइलर इधर आएगा, इस आई में क्या है वन है और नेम में क्या है एसके प्रोग्रामिंग है, ठीक है, क्योंकि इधर से हमने पास किया है। तो दिस डॉट आई, तो इस दिस डॉट आई का मीन्स होता है कि क्लास में जो वेरिएबल है वो मीन्स उस वेरिएबल में
इक्वल टू आई, तो राइट हैंड साइड में है आई, अब वो इस आई को कंसिडर करेगा, इस क्लास वेरिएबल को नहीं, क्योंकि हमने दिस कीवर्ड का मेंशन करते हुए इस वेरिएबल को कॉल किया, यानी कि दिस डॉट आई मीन्स ए वेरिएबल, इक्वल टू आई मीन्स ए पैरामीटर में आया हुआ वेरिएबल। तो इस आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है वन, तो अब वो आई की वैल्यू वन वन आई नाम के वेरिएबल में इनिशियलाइज कर देगा, यानी कि ओवर राइट करेगा जीरो को वन, ठीक है। उसके बाद दिस डॉट नेम, दिस डॉट नेम मीन्स ए जो नेम है वो क्लास वेरिएबल का, और इक्वल टू नेम, ए जो नेम है वो अब कंसिडर करेगा पैरामीटर में जो दूसरा पैरामीटर है वो, ठीक है, कंस्ट्रक्टर में जो दूसरा पैरामीटर है नेम नाम का वो, तो उसमें क्या आया है, एस्के प्रोग्रामिंग, तो एस्के प्रोग्रामिंग कॉपी होगा नेम में, मीन्स इस नेम में, तो ये जो नल है उसे रिमूव करके कर देगा एस्के प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो, उसके बाद में क्या होगा, डिस्प्ले मेथड कॉल होगा, तो फिर से आई इक्वल टू आई, नेम इक्वल टू नेम, मीन्स आई इक्वल टू, अब आई की वैल्यू क्या हुई है, चेंज हुई है, तो इधर वन, नेम की वैल्यू क्या है, एस्के प्रोग्रामिंग, एस्के प्रोग्राम। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा आई इक्वल टू वन, नेम इक्वल टू एस्के प्रोग्रामिंग। सेव कर लेते हैं, कंपाइल करते हैं, अब रन करते हैं, आई इक्वल टू वन, नेम इक्वल टू एस्के प्रोग्रामिंग। तो जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया उसी तरह से हमें आउटपुट मिल रहा है। तो आपको याद क्या रखना है, जब भी आपके पास कंस्ट्रक्टर हो और कोई भी मेथड हो उसमें आप आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो और क्लास में जो वेरिएबल डिफाइन किए हैं आपने वही नेम के वेरिएबल आप पैरामीटर में लेते हो, तो अब आपको कंपलसरी दिस कीवर्ड का यूज करना है, ठीक है। अगर आप यूज नहीं करोगे तो आपको इनप्रॉपर आउटपुट मिल सकता है, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपको इस दिस कीवर्ड का यूज नहीं करना है, इधर से मैं दिस कीवर्ड रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ इस आई वन कर देता हूँ इधर, और इधर मैं नेम वन कर देता हूँ, ठीक है, और इधर मैं कर देता हूँ आई वन, और इधर मैं कर देता हूँ नेम वन। तो अब हमें दिस कीवर्ड का यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर आई नाम का वेरिएबल है और इधर हमने आई वन लिया है, यानी कि कंपाइलर कंफ्यूज नहीं होगा, आई मीन्स वो इस क्लास वेरिएबल को कंसिडर करेगा, आई वन मीन्स आई वन, इसलिए वो जो वन है वो डायरेक्टली आई में कॉपी होगा, इधर नेम है मीन्स के क्लास वेरिएबल नेम, और नेम वन है वो किधर है, इधर है, यानी कि एस्के प्रोग्रामिंग, तो नेम में वो एस्के प्रोग्रामिंग कॉपी कर देगा, ठीक है। इसे भी हम कंपाइल और रन कर देते हैं, कंपाइल रन, तो आप देख सकते हो I इक्वल टू वन, नेम इक्वल टू एस्के प्रोग्रामिंग, ठीक है। जब भी आप जिस कीवर्ड का यूज कब करना है, जब भी आपके पास जो डेटा मेंबर आपने डिक्लेयर किया है क्लास के अंदर, मीन्स वेरिएबल डिक्लेयर किया है क्लास के अंदर वो, और आपने आर्ग्यूमेंट पास किए हैं वो दोनों अगर सेम है तो आपको जिस कीवर्ड का यूज करना है, ठीक है। तो इस बात को आपको नहीं भूलना है, इसे फिर से हम रिमूव कर देते हैं इधर से, और इधर हम दिस कीवर्ड का यूज कर लेते हैं, ठीक है, फिर से इसे कंपाइल कर देते हैं और रन कर देते हैं, आई इक्वल टू वन, नेम इक्वल टू एस्के प्रोग्रामिंग। तो आज हमने पहला यूज देखा दिस कीवर्ड का। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। अब सेकंड वीडियो हम देखेंगे दिस कैन बी यूज टू इनवोक करंट क्लास मेथड इम्प्लिसिटली, तो इसका मतलब क्या है और दिस कीवर्ड का यूज किस तरह से होता है एक मेथड को दूसरे मेथड में कॉल करने के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। आज जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया वो जो कुछ भी थियोरिकल फंडा है दिस कीवर्ड का वो मैं अपने एस्के प्रोग्रामिंग नाम की एप्लीकेशन है उसमें मैं डाल दूंगा। अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो सर्च कीजिए एस्के प्रोग्रामिंग, आपको पहला ही मिल जाएगा एस्के प्रोग्रामिंग, ठीक है, और साथ में 5 स्टार रेटिंग और रिव्यू भी दे देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।